ओके सो अभी आप लोग देखेंगे कि कैसे आज मेरा गेटअप चेंज होगा. अभी मैं आपको लग रही हूँ ना ब्यूटीफुल गर्ल. अब मैं बन जाऊँगी बहुत ही गुड लुकिंग हैंडसम बॉय, हैंडसम क्यूट से सरदार, हैंडसम सरदार नॉट क्यूट. जस्ट वेट एंड वॉच. ओके सो अभी हम बन रहे हैं जैसे कि मैंने वही रखा होगा, सब होगा उधर ही. अब ऐसे तो जो मेरा पहले का मेकअप किया हुआ है लाइक मेरे जो अलामी का वाले गेटअप वाला, तो वो पहले मैं निकालूंगी. सो नॉर्मल आप लोगों ने देखा तो होगा कि नॉर्मली हम लोग मेकअप कैसे अपना कर लेते हैं, गेटअप में कैसे आते हैं. ये थोड़ा सा अलग है, इसमें मेकअप से ज़्यादा हमारा ध्यान किस पे रहेगा, किस पे रहेगा ज़्यादा बताओ? दाढ़ी पे, मूंछ पे, मूंछ. उसके पीछे हमें क्या लगाना पड़ता है? गम. गम गम बहुत है इस दुनिया में. क्यों हंसी है? चाहे वो सूखे हो, चाहे चबाने वाले गम हो, चाहे लगाने वाले गम हो. यार और गम की जो स्मेल है कोई खास अच्छी नहीं है, बेकार है. फिर भी हम लगाते हैं. मैं ये सब इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि एज एन एक्टर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. ऐसे ही कोई एक्टर नहीं बन जाता फिर. बट तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो एक्टिंग फील्ड है बहुत ही ग्लैमरस है, सबको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हम देखते हैं. है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है. पर जैसे हर फील्ड में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती. बुराई मतलब मेहनत, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. सो इट्स लाइक हाउ, सो आप मेंटली प्रिपेयर हो क्या करो. बहुत लोग पता है क्या होता है, टीवी करने आ जाते हैं, डेली सोप करना होता है, लेकिन जब वो रोज़ 30 दिन, क्योंकि हमारे डेली सोप में सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे शूट चल एपिसोड्स आते हैं. जब डेली सोप है तो आपकी शूट भी तो 25-30 दिन रोज़ ही होगी ऑलमोस्ट. सो बहुत सारे लोग इसमें ही मतलब शुरू में तो बड़ा जोश होता है, धीरे धीरे वो जोश कम हो जाता है और बहुत ही पक जाते हैं, थक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं. सो इट्स लाइक मेहनत है ना. सो दाढ़ी लग गई है. बीच में नहीं है. मैं इसमें नॉर्मली बात कर सकती हूँ ना, ऐसे मैं अपना को रोकू नहीं ना. ठीक है दाढ़ी मुझ मैंने इसके पहले क्या ये नहीं बाबा, मुंह खोल नहीं पाऊंगी मैं इधर. ठीक है ना, नीचे कितना करोगे? ये ऐसे कर देते हैं, ये थोड़ा नीचे. हाँ ये नीचे कर दे. तो जो गम है, जो बहुत गम हमेशा परेशानी देता है, क्योंकि गम ज़िंदगी में भी परेशानी देता है, और जब आप गम लगाते हो मूछों को
मतलब चिपकाने के लिए, तो उसकी स्मेल बहुत बेकार होती है. सो ऑल सेट टू रॉक पाजी. तो हम ऐसे बन रहे हैं. अभी अभी तुमने पहनने कपड़े, मतलब पठानी वठानी एंड वो आएंगे, ये जो बोलते हैं इसको ना पगड़ी बोलते हैं, लाइक दैट पूरा वो ऐसे करेंगे बांधेंगे. सो इसके पहले मैं यही बता रही थी कि मतलब हमें कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है. पर अच्छा ही हुआ ना, अगर ये मेरा लुक हुआ तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को व्लॉग बना के कुछ दे रही हूँ. नहीं तो मैं रोज़ उसी मेकअप रूम में उसी वैसी साड़ी या ना मेकअप वाली, उसमें मैं आपको आपसे क्या ही मेक अपने सेट के बारे में और ज़्यादा क्या ही बता दूँगी, है ना. तो अभी वो ड्रेस दादा को भेज देंगे ना वो. नहीं, बैकलाइट बंद कर देते हूँ. तो ये मैं ना जो खा रही हूँ अभी, ये एनर्जी बार है, मल्टीग्रेन एनर्जी बार, ठीक है. ये ओट्स, मिलेट्स, आलमंड्स एंड हनी से बना है. दिस इज हाई फाइबर, हाई प्रोटीन एंड ऑल नेचुरल. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. सो अभी ये थर्ड चीज़, पहले दीदी आई जिन्होंने बालों को पूरा सेट किया, मेकअप दादा ने आके पूरा दाढ़ी वाड़ी चिपका दी, अब ड्रेस दादा है जो आके पूरी पगड़ी ऐसे सर पे अच्छे से बांध लेंगे और मैं बन जाऊंगी ओप्पा जी. ओप्पा जी कौन है? इट्स मी अनामिका. ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है ठीक है. ऐसे भी तो होते हैं, मतलब ऐसे भी रहते हैं ना बहुत सारों का मैंने देखा है. अरे लड़की नहीं बनना, अभी लड़का बनना है. ये तो आप लड़की वाली आवाज निकाल रहे हैं, लड़की वाली निकाल रहे हैं ना. ओ पाजी निकालिए पाजी वाली आवाज. आप लोग सोच रहे होंगे मैं किससे बात कर रही हूँ, एक्चुअली हम लोग वैनिटी में बैठे हैं. सो वैनिटी में क्या है कि मेरे बगल में जो है बल्लू जी बैठे हैं, तो वो बीच में जो मतलब यहाँ से आवाज़ चली जाती है एक दूसरे से. हम ऐसे दीवार है, दरवाजे लगे हैं, लेकिन दरवाजों के दीवारों के भी कान होते हैं ना, तो इट्स लाइक दैट. थोड़ा नीट नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, हो जाएगा. हाँ जी कौन सा हमारी पहला जो फर्स्ट पेज पे आप
अच्छा एक सेकेंड ना, दुश्मनी का रिश्ता भी निभा दूंगा, मतलब कि मैं अब मेरी वाइफ को उसके बारे में कुछ भी कहा तो अभी यही दुश्मनी का रिश्ता निभा दूंगा। हाँ मतलब मैं हाँ, बाकी सब तो भूल जाऊंगा लेकिन दुश्मनी के रिश्ते उसको निभाना अच्छे से आती, वो अच्छे से आता है। आपकी लाइन, अच्छा मैन टू मैन जोकिंग, मैन टू मैन वाली जोकिंग भाई साहब, समझे? वो होता ना एक मस्ती में, अरे अरे तो बस मैन टू मैन वाली जोकिंग है वो वाला है। सो बस नाउ आई जस्ट नीड टू चेंज आई गेस। दैट्स इट। सो अब मैं पूरा जब चेंज हो जाएगा देन आई विल शो यू माय एंटायर गेटअप, अंटिल देन ये है मेरा पूरा गेटअप।